गघा थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान इरशाद पुत्र मुराद अली निवासी सखानू वार्ड नंबर 10 थाना अलादपुर जनपद बदायूं, दूसरा तस्लीम उर्फ सलीम पुत्र जवान शेर निवासी सखानू वार्ड नंबर 10 थाना अलादपुर जनपद बदायूं, तीसरा जुनैद पुत्र मुराद अली निवासी वार्ड नंबर 10 सखानू थाना अलादपुर जनपद बदायूं, चौथा हनी पुत्र मुराद अली निवासी वार्ड नंबर 10 सखानू थाना अलादपुर जनपद बदायूं के रूप में हुई है, जिसके पास से सोने के जेवरात 29,400 रुपए नगद घटना में प्रयुक्त 2 कार बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो पूछताछ के दौरान बरामद शुदा जेवरात के संबंध में कोई कागजात नहीं दिखा पाए तथा बताए कि 2 दिन पहले हम सभी लोगों ने मिलकर जनपद संत कबीर नगर खलीलाबाद ओवरब्रिज के पास से एक महिला की रैगी कर घटना किया था, जो उसी महिला के जेवरात हैं, जिसमें इरशाद व तस्लीम उर्फ सलीम ने घटना को अंजाम दिया था तथा हम दोनों भाइयों ने रैकी किया था। पकड़े गए सभी व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई तथा इरशाद ने बताया कि हनी व जुनैद घटना की रैकी व घटना में सहयोग करते हैं तथा हम और तस्लीम उर्फ सलीम घटना कारित करते हैं। आज भी हम लोग जेवरात को बेचने की फिराक में थे कि आप लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि जनवरी माह में खलीलाबाद में मेहदावल बाईपास से एक महिला से घटना करके बैग से उसका सामान ले लिया था तथा हम लोगों ने उस सामान को बेच दिया था तथा फरवरी माह में कस्बा हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में एक महिला से घटना करके उसका जेवरात ले लिया था, जिसको हम लोगों ने एक राहगीर को बेचकर रुपए आपस में बांट लिए थे तथा उन्हीं पैसों से अपना खर्चा चलाते थे, जिनको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गजपुर चौकी प्रभारी रुद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक पुलिंदर यादव, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र तिवारी, कांस्टेबल ब्रजमोहन गौतम, अभिनेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 18 अप्रैल को कस्बा गोला बाजार में एक सर्राफा दुकान में 2 महिलाएं, जिसमें एक नाबालिग है, खरीदारी के लिए आती हैं और सामान देखते समय जैसे ही दुकानदार की नज़र थोड़ी गफलत में आई, वहां से इन्होंने लगभग 4 केजी चांदी की पायलें अपने बैग में रख करके और गायब हो गई। दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे की वजह से इनके फ़ोटो और घटना का समय कैद हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई तो पता चला कि ये महिलाएं जो उस कैमरे में कैद थी और जो फ़ोन ये चला रही थी उस का फ़ोटो, दोनों मेल खाया। इसके आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। 100% चांदी बरामद हो गई है, चोरी का एक सोने का हार भी इनके पास से बरामद हुआ है, लेकिन उसे वो कहाँ से घटना ये बता नहीं पा रही। इनके साथ एक और पुरुष सदस्य भी है, लेकिन वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम आगे भी प्रयास कर रही है। चोरी का सामान कहाँ क्या? चोरी का सामान अभी इनके पास से बरामद हुआ। इनके बताने के हिसाब से ये है कि ये मऊ जनपद में चोरी का सामान किसी सर्राफे के यहाँ बेचते हैं, लेकिन इनके पास से जो हमारे यहाँ की चोरी का माल था वो पूरा का पूरा बरामद हो गया। 27 अप्रैल को एक महिला कौड़ी राम में गजपुर मोड़ से सवारी का इंतज़ार कर रही थी, उसे गजपुर से आगे देवरिया जनपद में जाना था। एक फोर व्हीलर में
कुछ कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाले लोग आए और महिला को लिफ्ट दिया। थोड़ी दूर आगे जा करके बैठे बैठे गाड़ी में सामान दिखाते हुए इन्होंने महिला का पर्स गाड़ी में ले लिया और अपना एक पर्स उसे दे दिया। विश्वास में हो जाने के बाद महिला को उन्होंने सड़क के किनारे उतार दिया और बताया कि ये सामान डिलीवर करके हम अभी आते हैं, और फिर गाड़ी लेके आगे बढ़ गए। जब नहीं लौटे तो महिला को लगा कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा पर्स उनकी गाड़ी में रह गया। महिला को गाड़ी के नंबर की आखिरी डिजिट याद थी। उसके आधार पर CCTV फुटेज के माध्यम से गाड़ी का पूरा नंबर ट्रेस हुआ और गाड़ी के नंबर ट्रेस होने के बाद वो गाड़ी जिसको बेची गई थी उसका नंबर, और वहाँ से फिर पुलिस पूरे गिरोह तक पहुँची। इस गिरोह में 4 लोग हैं, चारों बदायूं जनपद के हैं, 3 सगे भाई हैं, एक और है इनके साथ का, इन्हीं के गांव का रहने वाला, सखानू कस्बे का। इन चारों ने मिल करके इस तरह से कई वारदातें की हैं। पता चला है कि इनके द्वारा जनपद बाराबंकी में भी वारदात की गई है, संत कबीर नगर में भी वारदात की गई है। उन लोगों ने भी इनसे आकर के पूछताछ की है। चारों अभियुक्तों को महिला का 100% सामान जो उसका था वो सब बरामद हो गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी ट्रेस हुई है, सबके 1-2 मुकदमे हैं, एक व्यक्ति ऐसा जिसके 1 है, बाकी सबके 2-3-4 ऐसे ज़्यादा हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही करने पर विधिक तौर पर विचार किया जाएगा।